हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जे शास्त्रक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 66वीं बीपीएससी में एक श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का पद आया है और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की पोस्टिंग, उनकी कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती है, उनकी सैलरी कितनी मिलती है, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है और उनका प्रमोशन किन किन पदों पर होता है, इन सभी के बारे में आज मैं पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आपको कुछ पर्सनल गाइडलाइंस मिल सके तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की पोस्टिंग के बारे में। तो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का जो पद है, पहले बीएसएससी सीजीएल के द्वारा भरा जाता था, ठीक है। अब ये पद बीपीएससी को दे दिया गया है और बीपीएससी इसकी बहाली करती है। और बीएसएससीजीएल के द्वारा जो पद था पहले, वो था श्रम प्रवर्तन इंस्पेक्टर का पद था, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर का पद था, जिसे अब श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कर दिया गया है। और ये लेबर इंस्पेक्टर का जो पद था वो लेवल 6 का पद था, मतलब 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत ये पद आता था। अब इनकी ग्रेड पे जो है वो 4200 से लेवल 7 के अंतर्गत कितना कर दिया गया है, 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत इनकी बहाली हो रही है। नॉन गजेटेड पोस्ट है ये। तो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का जो पोस्टिंग होता है वो प्रखंड कार्यालय में होता है और प्रखंड कार्यालय में इनका जो पद है वो सुपरविजन करने वाला पद है, इंस्पेक्टिंग वाला पद है। तो ये श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम कल्याण से जुड़ा हुआ सभी योजनाओं और नियम कानूनों का देखरेख करते हैं। इनका पोस्टिंग जो होता है वो प्रखंड कार्यालय में होता है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत इनकी योगदान दी जाती है, ये योगदान अपना देते हैं श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत और पोस्टिंग होती है प्रखंड कार्यालय में। जहाँ तक इनकी फैसिलिटीज़ की बात है तो इन्हें आवास की सुविधाएं दी जाती है, बिजली बिल सरकार ही देती है, फ़ोन बिल भी सरकार ही देती है और समय समय पर जो सुविधाएं बिहार सरकार निर्धारित करती है वो सभी सुविधाएँ इनको प्रदान की जाती है। अब आगे बात करते हैं सैलरी की। तो सातवें वेतन कमीशन के अनुसार इनको लेवल 7 में रखा गया है। लेवल 7 का मतलब हो गया 4600 ग्रेड पे, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, छठे पे कमीशन के अनुसार इनको 4600 ग्रेड पे मिलता है 6 पे के अनुसार। और लेवल 7 के अंतर्गत अगर सातवें पे की बात करें तो सातवें पे कमीशन के अनुसार इनको 44900 का बेसिक सैलरी मिलता है। साथ में DA MA मतलब DRNS अलाउंस और मेडिकल अलाउंस के साथ साथ अदर अलाउंस जो बिहार सरकार निर्धारित करती है वो सभी अलाउंस इनको मिलता है। अगर ग्रोथ सैलरी की बात की जाए इन हैंड, तो अभी के समय में इनकी ग्रोथ सैलरी लगभग 54,000 रुपये इन हैंड आ जाता है, 54,000 रुपये इन हैंड के आसपास में आता है। तो ये सैलरी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा पद है। और साथ साथ आगे हम लोग जब देखेंगे इनके कार्यों का, तो इनके कार्य के बारे में भी आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि अब जानते हैं इनके कार्य के बारे में। तो इनका काम जो है मुख्य रूप से वो क्या है कि श्रम कानूनों से जुड़े मामलों का देखरेख करते हैं, कानूनों के पालन को सुनिश्चित कराना, और कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन अगर करता है तो उसके लिए कार्रवाई करना, ठीक है, ये सभी काम इनका है। तो इनका काम जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, ठीक है, काम भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। तो डेफिनेट रूप से ये काम अगर चुनौतीपूर्ण होगा तो पद भी चार्मिंग का होगा, ठीक है, चार्मिंग और पावर का पद हो जाएगा। और मुख्य रूप से जैसा कि मैंने पहले बताया इनका काम सुपरविजन का है, तो सुपरविजन करते हैं कि कौन सा कानून जो है श्रम कानून उनका उल्लंघन हो रहा है, कौन से कानून का पालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रखंड और इनका जो क्षेत्र निर्धारित किया जाता है उनके अंतर्गत। बिजनेस यूनिट के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकते हैं, श्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन में सहयोग भी देते हैं और श्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों की समीक्षा और रिपोर्टिंग का भी काम इनका होता है। ये रिपोर्ट करते हैं, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये अपने बड़े पदाधिकारी को जो भी रिपोर्ट होता है उससे संबंधित करते हैं और बड़े पदाधिकारी आगे का निर्धारण करते हैं कि क्या करना है, इनके खिलाफ कार्रवाई करना है कि नहीं करना है। तो ये सभी श्रम कानून से जुड़ा हुआ और श्रम से जुड़ा हुआ जितने भी नियम कानून है इनकी समीक्षा के साथ साथ रिपोर्टिंग और सुपरविजन करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन का। तो ये प्रमोशन का ट्री है जो आप लोग को शायद स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अर्थात लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बाद क्या बनते हैं ये सब स्पष्ट रूप से यहाँ दिया हुआ है।
तो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने इसे अलग से बनाया है। तो देख लीजिए, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मतलब श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। तो आप यहाँ हैं प्रखंड लेवल पे। प्रखंड लेवल के बाद आप जब एक प्रमोशन पाते हैं तो आप लेबर सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं और आपकी नियुक्ति जिला में हो जाती है। ठीक है, लेबर सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति जिला में हो जाती है और ये लगभग आपको 8 से 10 साल 12 साल लग जाते हैं आपको एक प्रमोशन लेने में। तो आप लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बाद क्या बनते हैं, लेबर सुपरिटेंडेंट बनेंगे जब आपकी नियुक्ति जिला में हो जाएगी। लेबर सुपरिटेंडेंट के बाद आप जो सेकंड प्रमोशन लेंगे वो हो जाएगा असिस्टेंट लेवल कमिश्नर। ठीक है, लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेवल कमिश्नर के रूप में आपका प्रमोशन होगा। उसके बाद आप डिप्यूटी लेबर कमिश्नर के रूप में नियुक्त होंगे और अंततः आप लेबर कमिश्नर के रूप में नियुक्त होंगे। तो अब प्रमोशन का स्कोप भी देखा जाए तो इस पद के लिए काफ़ी है और प्रमोशन के साथ साथ आपका कार्य इतना विविधतापूर्ण है कि आपका ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण लगेगा और साथ साथ आपको काम में मन भी लगेगा, सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के सारे तथ्यों को मैंने आपके सामने रख दिया, आप ही निर्धारित कर सकते हैं कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर आपके लिए कैसा पद रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये समझ रहे थे कि ये पद जो है एसएससी के द्वारा लाया गया है इसलिए ये उतना दमदार पद नहीं होगा, लेकिन सरकार ने इसे दमदार बना दिया है, बीपीएससी ने इसे दमदार पोस्ट बना दिया है और ये काफ़ी अच्छा पद है। भले ही ये लेवल 7 का पद है लेकिन इनका कार्य और प्रमोशन का स्कोप देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा है। तो इस प्रकार से आप लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर अर्थात श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के सभी तथ्यों को अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और जो भी पोस्ट बचे हैं मैं फिर उस पर भी बहुत जल्द वीडियो लाऊँगा। बाकी सभी पोस्टों से जुड़ा हुआ जैसे SDM, DSP, उसके बाद नगर कार्यपालक पदाधिकारी, इससे पहले मैं ADTO का बनाया था वीडियो और इसके पहले मैंने पंचायती राज पदाधिकारी से संबंधित वीडियो बनाया था। तो इन सभी वीडियो को आप देखिए, डेफिनेट रूप से आपको जब फाइनल इंटरव्यू के समय आपको पदों का चयन करना होगा उस समय आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही,